हे गाइस, दिस इज कैरिंग सिद्धांत। और कैसी है मेरी कैरिंग फैमिली? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सामने अपने खड़ी है भाई वेन्यू, एक ऐसा वेरिएंट कि जो डिमांडिंग रहता है और जो लोग टॉप मॉडल नहीं ले सकते या वो सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे हैं लेकिन हमें फीचर्स सारे टॉप मॉडल वाले चाहिए। तो जी हाँ, ये वही वेरिएंट है भाई लोगों जो जिसमें आपको सारे कंप्लीट पैकेज मिलेंगे। सीधे सीधे मैं आता हूँ, ज़्यादा लंबी खींचूंगा नहीं वीडियो, क्योंकि वीडियो आपने बहुत सारी देख रखी हैं। उसमें 2 से 3 चीज़ें एलिमेंट्स जो मेन हैं वो नहीं आते, जैसे कि अपना एक एलॉय आ गया, ठीक है, और पीछे एक अपना वाइपर, ठीक है। ये एसएक्स है, एसएक्स ऑप्शनल में आपको वाइपर भी मिल जाएगा, आपको एलॉय भी मिल जाएंगे, ठीक है। और एक जो चीज़ जो आपको दिख रही है वो है ये क्रोम फिनिश, आप देख पा रहे होंगे ये अलग से लगी हुई है। अब ब्लैक कलर है, उस पर मत जाना, थोड़ी सी गंदी गाड़ी हो रही है यार। ब्लैक कलर ना केयर करना बहुत वो है। तो यार इस वीडियो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के साथ, जो जो एलिमेंट्स हैं आपको दिखाता चलता हूँ, शुरू से स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो आगे अपना मिल जाता है इंडिकेटर, और यहाँ पे कोई बल्ब नहीं है, ये इंडिकेटर के लिए ही दे रखा है, मतलब कंपनी ने डिज़ाइन के लिए होंडाई ने बड़ा सही बनाया हुआ है। नीचे आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, और एक नीचे साइड में अपना बल्ब, ठीक है। और नीचे कोई भी इसमें अपना फॉग लैम्प नहीं दे रखा है, क्योंकि इसकी जो इन्होंने एंगल सेट किया है ना वो बिल्कुल सेंटर में किया है, जो काम दोनों का चला देती है, इसकी हेडलाइट भी और फॉग लैम्प के लिए भी। और इधर के लिए देखूं तो देखो एक चीज़ जो आजकल हर आपने कंपनी में देखेगी, देखो टायर दिख रहा है यहाँ से। यार गाड़ी को स्टेबिलिटी देने के लिए ना इन्होंने हर गाड़ी में, आपने i20 में भी देखा होगा, XUV में, स्कॉर्पियो में, अधिकतर अब ना ये सब चीज़ें, ये वाला स्पेस बड़ा सही आ रहा है यार। सीधे विंड कटती है, टायर के लिए भी सही रहती है, टायर भी ठंडा रहेगा अपना। वो कंपनी का दिमाग है जी, अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आगे अब जो चीज़ आती हैं ये आती हैं बर्फियाँ, जो कि हमारी क्रोम की हैं। और क्रोम भी पूरा वाला नहीं है, ये हल्का सा फॉगी क्रोम है। पूरा क्रोम जो है वैसा होता है जैसे इसमें साइड में लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा ना फॉगी टाइप का है, जैसे फॉग सा होता है। तो यार ये बर्फियाँ देखो यार कितनी प्यारी लगती हैं इसकी, ठीक है। आगे की बात कंप्लीट हो जाती है। नीचे एक स्किड प्लेट का डिज़ाइन भी दे रखा है, वो भी बड़ा बेस्ट लगता है। अब साइड में आ जाते हैं तो इसके टायर की बात कर लेते हैं। टायर हमारा मिल जाता है 15 इंच का, भाई अपोलो का टायर दे रही है कंपनी, 15 इंच का टायर है। यार अगर इस वाले मॉडल में भी अगर उस टाइप का कर लेती ना, जैसे कि हमारे क्रेटा में, मैंने आपको अभी दिखाऊंगा, एक शॉट डालूंगा उसमें अलग से दिखाऊंगा, बड़ा माइंड गेम करा हुआ है। एक उसमें आ जाती है हमारी, तो उस तरीके का कर लेते थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। और एक चीज़ दिखाऊं, अधिकतर आपने देखा होगा जब गाड़ी बारिश के टाइम पे मुड़ती है ना तो क्या होता है हमारा ना मिट्टी फेंकती है पीछे तक, लेकिन ये देख रहे हो 1 इंच की ये अलग से निकाली हुई है ये भाई, कि ताकि ज़्यादा उछाले ना मिट्टी विट्टी को, गारे वारे को, ठीक है। वही चीज़ आपको पीछे भी देखने मिलेगी, ठीक है। तो साइड से ओवरऑल लुक आपका कुछ इस तरीके से आता है। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, तो भाई सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिंग है ना वो है इसकी ये वाली लाइट। भाई ऑलवेज ऑन में ना ये इतनी प्यारी लगती है रात में कि आप इस गाड़ी को ऐसा समझो कि मतलब BMW लगती है। जब शुरू में मैंने इस गाड़ी को देखा था ना मैं कंफ्यूज हो गया था ये है क्या भाई। तो यार ये BMW स्टाइलिंग में जो बनाई हुई है ना, ये छोटी सी बर्फी सी यहाँ भी देती है, देखो लाइट में, भाई अमेजिंग यार, बहुत सही प्यारी लगती है। और पीछे अपने 2 सेंसर्स दे रखे हैं, ठीक है। और नीचे अपनी आ गई स्किड प्लेट, भाई पर अपना कुछ नहीं आता, लेकिन इसमें डिफॉगर हमारा दे रखा है, ठीक है। पीछे अपना वही एंटीना आ गया, शार्क फिन एंटीना दे रखा है, वो भी बड़ा सही है। और वही बर्फी के डिज़ाइन में ये पूरी यार बर्फी सी बना दी, जैसे लोग कहते हैं ना बॉक्सी सा, उस तरीके से। पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो 45 लीटर का इसमें पेट्रोल टैंक आ जाता है। गाड़ी लॉक है, ये भी सही है, और कोई भी इसमें चाबी अपनी आती नहीं है। इसके बाद साइड में आ जाते हैं, अंदर लेके चलता हूँ, साइड से कुछ ऐसी थी। और हाँ एक चीज़ और, जो अपनी लेंथ है ना इसकी भाई 2500 mm की है, इसका व्हील बेस कंफर्टेबल अल्टीमेट है भाई। जो लोग कहते हैं ना कि आजकल जो मैं रिकमेंड करूँगा जो बलेनो वगैरह लेना चाह रहे हैं ना भाई, इसे देख लो, थोड़ा सा SUV का ज़माना आ चुका है ना, वो SUV में आ जाओ। अब रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और फोल्डेबल ORVMs, ठीक है, विद इंडिकेटर्स। अब अंदर का पैनल कुछ इस तरीके से लगता है, इसमें अपनी वही जो तौलिया उन्होंने वैसे रख रखी है साफ़ सफाई के लिए, और यहाँ पे अपना बोतल होल्डर सा रहता है, यहाँ पे आप कैन वगैरह भी रख सकते हो। और यहाँ पे अपना इसको एडजस्टेबल करने का ORVM के कंट्रोल्स, और यहाँ पे इधर उधर के, और ये आ गया लॉक अनलॉक, और यहाँ पे अपने 4 पावर विंडो, और ये चाइल्ड के लिए, ठीक है। और इस यहाँ पे अपने ट्विटर्स मिल जाते हैं, नीचे अपने चारों गेट्स में अपने स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं अंदर की ओर, तो इधर अपना मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप। इसमें भाई पुश स्टार्ट स्टॉप दे दिया, मतलब कोई कमी छोड़ी नहीं है इसे टॉप मॉडल बनाने में। बस दो तीन चीज़ें और कर देते ना तो भाई पूरी टॉप मॉडल लगती। और सबसे अट्रैक्टिंग और अपीलिंग चीज़ पता है क्या अंदर आती है, लगती है भाई भाई सनरूफ इसमें भी दे दी यार। जो ब्रीजा व्रीजा में टॉप मॉडल में जाके मिल रही है ना, वो इन्होंने इसमें ही दे दी। मतलब कंप्लीट पैकेज है भाई। और 10,77,000 रुपए की एक शोरूम पड़ती है गाड़ी। कहीं भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि कोई कोई से हर सारे पॉइंट्स आप मिस कर दोगे। मैं कोई भी चीज़ एंड में या एक उसमें नहीं डालता, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, उसे स्किप कर करके देख लेते हैं कि उस बंदे ने वहाँ पे वो चीज़ बोली होगी। इसलिए अगर वीडियो देखो, पूरी एक एक करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे अपना स्टीरियो के कंट्रोल्स आ जाते हैं। स्टीरियो अपना, एक सेकेंड, ये हो गया ऑन। भाई देख रहे हो कितनी बड़ी स्क्रीन है, नई गाड़ी है, उन्होंने पन्नी वन्नी भी नहीं हटा रखी, ठीक है। तो बात आ जाती है अब यहाँ से। अब इसमें एक चीज़ और यूनिक सी क्या है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल का आ गया। और एक चीज़ और, जो अपना जो मोड होता है ना, आपने देखा होगा जनरल लाइट के ऊपर नीचे के कंट्रोल 4 तक मिलता है, इसमें 3 ही दे रखा है, 0, 1, 2, 3 बस, ओके, ठीक है। और यहाँ पे अपना एसी का मिल जाता है। और अब आ जाते हैं इधर, तो यार क्रूज कंट्रोल भी दे देते तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता। ये अपना जो मिला हुआ है वो मीटर के कंट्रोल्स इन्होंने दे रखे हैं। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी का दिखती है भाई, देख रहे हो कितना प्यारा लगता है यार, ठीक है। यहाँ पे सारी अपनी डिस्प्ले आ गई, अपनी इंफॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे टेम्परेचर और नीचे कितनी चली हुई है और कितनी जाएगी, ठीक है। इधर अपना फ्यूल टैंक का आ गया, फ्यूल गेज आ गया। और इधर अपना आ गया हीट का गेज, ठीक है। और यहाँ पे अपना स्पीडोमीटर और इधर अपने आरपीएम मीटर, ठीक है। अब बात आ जाती है इधर की, तो इसमें एसी जो है वो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाती है। बात करें इसकी तो बीच में अपना हजार्ड लाइट, यहाँ पे कंट्रोल्स वॉल्यूम के, और डुअल एयर बैग्स, ठीक है। और इसके बाद अपनी अगर बात करें, थोड़ा स्पेस ये भी आ जाता है और बड़ा सही सा लगता है यार। ये ना छोटे छोटे सा स्पेस ना बड़ा कारीगर होता है यार, कारगर होता है, सॉरी कारीगर यार, रेनॉल्ट का नाम याद आ रहा है, कारीगर। तो कुछ यहाँ पे इस तरीके कंट्रोल। और यार हैंडल भी बड़ा गहरा है, ये बड़ा गहरा सा है, देख रहे हो, तो बड़ा सही है यार, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो एक मिरर मिल जाता है। और इसमें मिरर, ओ माय गॉड, इसमें कुछ नहीं है, बस टिकट होल्डर है, ये टिकट होल्डर, ठीक है। और यहाँ पे अपने इसके सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे अपना 5 स्पीड का वो गियर बैग, सॉरी। और यहाँ पे अपना आ गया, ये इस तरीके का होता है, देख रहे हो, जो अपना वायरलेस चार्जर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अपने दोनों कप होल्डर्स आ गए। यहाँ पे कोई कप होल्डर्स नहीं रख सकते, आप रख भी सकते हो यार, वरना वो आपके लिए सेफ नहीं रहेगा अगर आप रखोगे तो, ठीक है। यहाँ पे कप होल्डर्स और यहाँ पे आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट की क्वालिटी अगर बताऊं तो यार, देख रहे हो, टच देखो कैसा है, ठीक है। वो आप अपने आप से जज करना। प्लास्टिक क्वालिटी मैं कहूँगा मारुति से तो भाई बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, बहुत ठोस है भाई, बहुत ठोस है, ठीक है। और स्टीयरिंग की बात करूँ तो आपको टिल्ट मिलेगा बस, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है, ठीक है। एयरबैग मैंने बता दिया था। और अपनी सीट की कुशनिंग देख लो भाई, ये अलग से सीट लगवा रखी है, कोई भी सीट कवर, मतलब ये कंपनी से नहीं लगा हुआ, अलग से लगवाया है, तो यार मुझे थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है। ये आर्मरेस्ट, वो हेडरेस्ट थोड़ा सा छोटा सा पिद्दा सा, बड़ा अच्छा लग रहा है। पीछे की बात करें, इसे दिखा देता हूँ, तो भाई थोड़ा सा टाइट हो रखा है, ये बीच में भी अपना मतलब आर्मरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। स्पीड की 40 और 60 अपना स्प्लिट सीट मिल जाती है इसमें, ये वाला 40, ये वाला 60, इतना घूम जाएगा, ठीक है। और बात करूं अगर मैं इसमें पीछे की और आगे की, कि मैं पीछे बैठ चुका हूं, पीछे भी अभी आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे हो भाई थाई सपोर्ट कितना सही है, पीछे भी भाई थाई सपोर्ट बहुत है, ये देखो गहरा कितना है यार, थाई सपोर्ट इसमें पीछे भी मिल जाता है, बड़ा सही बेस्ट मिल जाता है। और एक यूनिक चीज़, अगर आपको सीट बेल्ट जैसे टक 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 इधर बोलती रहती है ना, आजकल सेफ्टी नॉर्म्स में भी कंपलसरी हो गया है कि पीछे वाली सीट बेल्ट पहननी अनिवार्य है, तो उसी लिए होंडा ने उस चीज़ों का ध्यान रखते रखते भाई इसके लिए भी दे दिया कि अगर आप कोई पीछे बैठा नहीं है तो आप इसमें लगा के छोड़ दो, तो कुछ वो नहीं है, ठीक है, तो हिलेगी विलेगी नहीं। और ये बड़ा तेज वाले हैं यार, थोड़ा सॉफ्ट ही दे देते इसको होंडा ही। तो और पीछे का कुछ इस तरीके से था, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और ये इस तरीके से थी अपनी गाड़ी। अब चलते हैं इंजन की ओर, और अपना रह गया बूट। अब चलते हैं पीछे, और एक चीज मैं आपको और दिखानी भूल गया था यार, इसमें ना दिन हो रहा है, इसमें ना देखो लाइट जल रही है, और ये एज एसेसरी पार्ट इन्होंने अलग से लगवा रखा है भैया ने। ये 5000 रुपए का कंपनी से ही इंस्टॉल्ड है, बाहर से कुछ नहीं कराया है इन्होंने, बाहर से सिर्फ सीट का करवाया है और एक अपना क्रोम का करवाया है। अब चलते हैं इंजन की ओर। तो इंजन खुल जा भाई, इंजन की बात करें तो भाई बहुत अंदर तक लेके जाना पड़ रहा है। हाँ तो ये है अपना इंजन। भाई एक चीज़ जो मुझे एज कंपेयर टू ब्रीज़ा करूँ ना, अगर मैं नई वाली जो अपनी विटारा ब्रीज़ा आई है उसके अगर कंपेयर करूँ ना, तो यार देखो नीचे जो इसमें ना सेफ्टी प्लेट भी दे रखी है ताकि गारा वारा इतना आएगा नहीं, नीचे गार्ड दे रखा है, पूरा इंजन गार्ड दे रखा है, ठीक है। और इंजन की बात करूँ तो वही 4 सिलेंडर का इंजन है, 81 bhp की पावर मिलेगी और इसमें जो हमें टॉर्क मिलेगा 118 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा इसमें। तो भाई इंजन तो बहुत सही है। और यार आपको पता ही है होंडाई की ना स्मूथनेस कितनी है, और भाई इसकी बात करूं तो बहुत हैवी है यार। और यहाँ पे अपना कोई भी बस यार थोड़ा सा इंसुलेशन दे देते यार तो बढ़िया रहता, थोड़ी सी नॉइज़ और कम आती। वैसे तो यार बहुत स्मूथ और फाइन होते हैं इसके इंजन। इधर ABS EBD कंट्रोल इस तरीके से था कुछ इंजन अपना। और अब चलते हैं बूट की तरफ। तो ये हो गया अपना सेक्शन कंप्लीट। आगे DRLs भी हैं इसमें, बतानी भूल गया था, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ये अपना आ गया बूट स्पेस। तो बूट है यार इसमें 350 लीटर का हमें बूट स्पेस मिल जाता है और विद पीछे जो मिलती है एक लाइट भी मिल जाती है। और इधर तो कोई लाइट है नहीं। और बात आ जाती है स्टिपनी की। तो स्टिपनी जो है इसमें वही अपोलो की दे रखी है, अपनी 15 इंच की स्टिपनी दे रखी है, कोई भी साइज छोटा नहीं कर गया। और दो जो लाइट दे रखी हैं छोटी छोटी सी यार, ये दे रखी है, ये मैंने अभी देखी है, सीरियसली मुझे पहले नहीं पता था। दो पीछे लाइट भी दे रखी हैं और यहाँ पे कैमरा दे रखा है, ये पिद्दू सा। अच्छा डिग्गी में यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, यहाँ नहीं दे रखा, अलग दिखता नहीं है वरना। और ये देखो भाई दिखता ही नहीं है, कैमरा बड़ा सही दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से थी कुछ अपनी गाड़ी। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ रही है वो लगभग 12 लाख के अप्रॉक्स पड़ रही है। तो आप बताना आपको गाड़ी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैरिंग सिद्धांत।